ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो कंट्रोल है हमारा वो मल्टी व्यू है। ठीक है, मल्टी व्यू में देखो क्या होता है कि अब जब मेरे पास कोई नया पोर्टल ज्वाइन कर रहा होता हूँ, नया कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहा होता हूँ, कोई जॉब पोर्टल हो सकता है वो, या फिर जैसे एपटेक हमारा पोर्टल है, तो उसको ज्वाइनिंग के लिए हमें कुछ डिटेल रिक्वायर्ड होती है यूज़र को। तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, जैसे अभी देखो लॉग इन, पर्सनल, फिर आगे भी कुछ आएंगे एजुकेशनल। तो मैं एक आईडी बनाता हूँ उस पर, सलमान मसूद एट द रेट एपटेक NK.com। ठीक है, पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी, और फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखो अब फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर मैं नेक्स्ट करूँगा तो फिर एक और फॉर्म आएगा, वो दूसरा फॉर्म होगा। ठीक है, स्किल्स का या फिर क्वालिफिकेशन का, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर ग्रेजुएशन है तो फिर ग्रेजुएशन के हिसाब से यहाँ पर देखो ये, ठीक है, ये शो करना शुरू कर दे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है तो फिर मास्टर्स तक का ही आ जाए। सही है, स्किल्स जो आपने ऐड करनी है, फिर अपनी रिज्यूम अपलोड करनी है, इस तरह का एक पोर्टल। मगर इसमें तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि कितने फॉर्म्स आ गए, 3-4 फॉर्म्स आ गए। अब मुझे ये अगर बनाना है तो क्या मैं अलग अलग पेजेस बनाऊँ इसके लिए? नहीं, इससे बेटर रहेगा मैं क्या करूँ, एक ही पेज बना लूँ और एक ही पेज के ऊपर क्या रख लूँ, सारे फॉर्म। जबकि जब ये फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे हम, तो उस वक्त हमने क्या किया था, अलग अलग पेजेस रखे हैं, साइन अप 1, साइन अप 2, फिर लास्ट पेज। ठीक है, तो इसका एक ऑल्टरनेट होता है हमारे पास, मल्टी व्यू कंट्रोल। मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि एक ही पेज के ऊपर मल्टी व्यूज मिल जाएंगे, यानी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, जो नेक्स्ट पेज पे था, कौन सा फॉर्म एक और था ना, ये वाला, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर है, नेक्स्ट वाले में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है। ठीक है, ये वाला काम तो हुआ, सही है। तो मैं इसको बिल्कुल कोड लेवल से तुम्हें बता देता हूँ कि मल्टी व्यू कंट्रोल हमें कैसे करना है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। इधर आते हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, ओके कर देते हैं, सही है। यहाँ पर आके क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया, वेब फॉर्म लिया, ऐड कर दिया सर, सही है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे मल्टी व्यू को। यहाँ पर जाके लिखोगे मल्टी व्यू तो वो खुद से आ जाएगा, इसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया। और फिर इस टैग के दरमियान में अब जितना भी कोड होगा सब इस मल्टी व्यू के दरमियान, यानी जितने व्यूज़ लगेंगे वो सब यहाँ लगेंगे। टूल बॉक्स पे आए, यहाँ पे व्यूज़ लगा दिए मैंने, पहला व्यू लगाया, सही है, एक व्यू, इस तरह से कॉपी किया इसको, पेस्ट किया दूसरा व्यू, और फाइनली तीसरा व्यू। ठीक है, तो पहले वाले व्यू में क्या होगी, कुछ डिटेल्स होंगी, दूसरी डिटेल कुछ डिटेल होंगी। तो मैं यहाँ थोड़ा टेबुलर फॉर्म में काम कर देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, टेबल, टेबल क्लोज, टेबल की रॉस कितनी होंगी, TR, ठीक है, और उसके अंदर TD कितने रखते हैं हम, एक, दो, तीन। ठीक है, ये HTML से तो सारे फेमिलियर हैं, सही है। अब यहाँ पर आता हूँ, एक लेबल उठाया, कट, पहले वाले TD में रखा, सही है, पहले TD में लेबल रखा, इसका टैक्स रख दिया, ईमेल, सही है। अच्छा, और इस TD के सामने क्या रखना है मुझे, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आया, टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल एक्स, इस वाली TD के अंदर, सही है, पेस्ट, डिज़ाइन व्यू पे आके देखो, देखो ये इस तरह से बन रहा है, सही है। सोर्स, और इस वाले TD के अंदर कुछ नहीं है तो रहने देते हैं, चलो 2 TD बना दिए, सही है। अब यहाँ इस TR को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे एक और दफ़ा पेस्ट किया, देखो खुद से टेक्स्ट बॉक्स 2 आ गया, लेबल 2 भी आ गया, सही है। अच्छा, एक और TR बनाया इसके नीचे, और इसके अंदर 2 TD लगा दिए, TD, और यहाँ लगा दिया बटन, बटन को उठाया, ड्रैग ड्रॉप कर दिया, सही, कंट्रोल एक्स इसके दरमियान में, और बटन के ऊपर टेक्स्ट को कर दिया नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है, या जो भी अभी करना है इस पर, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो देखो एक व्यू तैयार है, ठीक है, सो कर दो पासवर्ड लेबल 2 के ऊपर,
यहाँ पर आके यहाँ जो होती है सिंगल लाइन टेक्स्ट मोड, इसको कर दो पासवर्ड वाला, ठीक है। तो ये अभी पासवर्ड वाला टेक्स्ट मोड हो जाएगा, सही है। अब इस ASP व्यू के अंदर जो टेबल बना हुआ है इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया दूसरे व्यू के पास, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं कमेंट्स कर देता हूँ यहाँ पे ना कि फर्स्ट व्यू एंड। अब इस कमेंट को कैसे करूँगा, यहाँ पे आके ना ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लो, सही है, इससे तुम्हें बदल जाएगा। सो कॉपी किया मैंने, मेरा सेकंड व्यू का एंड हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, सेकंड व्यू एंड, ठीक है। अच्छा इसके अंदर लेबल में से ईमेल हटा के क्या लिख दिया, नेम, सही है। और यहाँ से टेक्स्ट मोड को सही कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ जेंडर, सही है। और इसको हटा दिया यहाँ से। TD के अंदर हम यहाँ लगाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। हाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के डिज़ाइन पर आओ, एडिट आइटम, एड एड मेल फीमेल, ओके। नहीं भाई, दो दो वैल्यूज को डेटाबेस से क्यों करोगे, सही है। यहाँ इस बटन को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया बैक, सही है। अच्छा जी, सिमिलरली अब लास्ट वाला पेज बनाना है, उसके ऊपर क्या करना है, सिर्फ व्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है, जो भी इन्फॉर्मेशन तुम लेकर आए हो। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा टेबल है इसको कॉपी करूँगा, कॉपी किया इसको पेस्ट कर दिया, सही है। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव किया और यहाँ पे लिखा नेम, ईमेल, सही है, टेक्स्ट में ईमेल लिखा हुआ आ रहा है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और लेवल 7 है तो इसका नाम रख दिया LBL ईमेल, सही है। सिमिलरली यहाँ पर इस वाले को चेंज किया और इसका नाम रखा, ड्रॉप डाउन को यहाँ से डिलीट करो, टेक्स्ट इसका क्या, ईमेल के बाद क्या है, नेम, सही है। इसको कॉपी किया लेबल को, यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा जी, और इसको भी ब्लैंक कर दिया, LBL नेम, सही है। सिमिलरली यहाँ पर आए, थोड़ी जगह बनाई और TR को कॉपी कर लो, ये वाले यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसका नाम रख दिया तुमने जेंडर, LBL जेंडर, सही है। अब बटन इवेंट्स फायर करने का मौका आ गया। सबसे पहला बटन इवेंट कौन सा है, ये रहा बटन, इसके डिज़ाइन व्यू पर आओ और ये रहा इसका क्लिक इवेंट पहले, सही है। ये नेक्स्ट वन वाला बटन है, यानी पहले वाले फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाएगा, सही है। इसका क्लिक इवेंट फायर किया, ये नेक्स्ट टू वाला बटन है, सही है। ये बैक वन वाला इवेंट, अच्छा ये वाला बटन सबमिट का है, ठीक है, सबमिट। और ये बटन जो है वो बैक टू, सही है। अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी देखो बैक एंड पे कोई कोड नहीं किया जब तक, और इसको ऐसे ही रन करोगे सिर्फ फ्रंट एंड पे व्यूज़ बना के, बैक एंड इवेंट तो फायर करती है, कोई कोड नहीं किया तो ये कोई भी व्यू शो नहीं करेगा, सही है। देखो ब्लैंक आ रहा है, तो यहाँ पर आओगे लोड इवेंट पे, और लोड इवेंट पे आके तुम लिखोगे इफ़ इस नॉट पोज बैक, यानी कोई बटन फर्स्ट टाइम जब पेज नेविगेट होगा तो वो क्या करेगा,
हमारा जो मल्टी व्यू है उसका नाम है मल्टी व्यू वन। तो यहाँ लिखोगे कि मल्टी व्यू वन डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स, यानी उसका व्यू नंबर कौन सा दिखेगा। तो सबसे पहली दफ़ा जब पेज चलेगा तो उसका व्यू नंबर 0 नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो सबसे पहला वाला व्यू जिसके अंदर ईमेल और पासवर्ड मांगेगा वो वाला व्यू नज़र आया। देखो आ रहा है, और अभी बैक का कोई बटन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करने पे क्या हो, दूसरा वाला व्यू आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वन वाला बटन कौन सा है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे वन। सही है, अब इसको रन करते हैं। सही है, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब है अगले वाले फॉर्म के ऊपर चले जाओ। इसको रन किया, देखो अब नेक्स्ट प्रेस होने पे देखो दूसरा वाला आ गया। अब इसके बैक होने पर क्या हो, वापस ज़ीरो पर चला जाए ना। तो बैक वन वाला जो कोड है इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और इसको ज़ीरो कर दो। सही है, इसको रन किया, आप देखो सही है, लॉजिकली समझ में आ रहा है कैसे करना है ना। फॉर्म डिफ, हाँ ये देखो, अब ये नेक्स्ट, अब बैक किया, इस पर वापस आ गए, नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट टू पे क्या होगा, एक इंडेक्स और आगे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट टू वाला बटन देखो, ये रहा। तो इसके ऊपर क्या करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको टू कर दोगे। सही है, नेक्स्ट टू कर दो, चलाया, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो फाइनल वाले पे सबमिशन हो रही होगी ना। सही है, अच्छा थोड़ा सा डिज़ाइन बेहतर कर लेते हैं ना। टेबल जो है ना, यहाँ पर आता हूँ मैं और हेड के सेक्शन में ना एक स्टाइल का टैग लगाता हूँ। नहीं नहीं वो उसी तरह से डिज़ाइनिंग हुई, वो टेम्पलेट नहीं, वो मैंने डिज़ाइन किया है ख़ुद से। ठीक है, टेबल बॉर्डर वन नहीं 3 पिक्सल सॉलिड रेड, कुछ डिज़ाइन आया होगा आगे। ठीक है, उसको रन करता हूँ। सही है, इस तरह से बाकी हेडिंग वेडिंग लगा लेना, डिज़ाइनिंग तो कर लोगे। इसके नेक्स्ट, अब इसके बैक से वापस नहीं जा रहा, तो वापस जाने के लिए इसके बैक और नेक्स्ट से सबमिशन हो जाए, यानी फाइनल सबमिशन का बटन है, इस पर तो हम कोड लगाएंगे बाद में। ठीक है, तो हाँ बैक टू पे क्या होगा, मल्टी व्यू वन पर आएगा। सही है, अच्छा अब यहाँ पे देखो मैं टॉप पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा स्ट्रिंग ईमेल, या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो बटन वन दबा रहा होगा तो क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, या इसकी भी ज़रूरत नहीं है, खैर वैल्यू उसने व्यू स्टेट में होल्ड की हुई होंगी सारी। सही है, तो फाइनल वाला बटन कौन सा है जो हमें नेक्स्ट पे लेके जाएगा आखिरी वाले बटन पे, तो उसको देख लेते हैं वो कौन सा वाला है। ये नेक्स्ट वन, सही है, नेक्स्ट टू, यानी नेक्स्ट टू के ऊपर कोड कर दो। तो मैं गया नेक्स्ट टू का है, नेक्स्ट टू ये रहा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा, या वेरिएबल ले लेता हूँ तो बेटर है। ठीक है, स्ट्रिंग ईमेल कॉमा और क्या है, नेम कॉमा जेंडर। सही है, तो जब बटन बंद दबेगा तो उससे पहले क्या होगा, ईमेल जो है इसके अंदर आ जाएगी, ईमेल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, जो कि ईमेल का है। सही है, अच्छा दूसरे पेज से क्या आएगा, नेक्स्ट टू से क्या आएगा, नेम आएगा ना, नेम इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट। सही है, टेक्स्ट बॉक्स टू तो पासवर्ड है, और जेंडर इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सेलेक्टेड आइटम। सही है, और जब जैसे ही इस दूसरे पेज के ऊपर जाए तो वहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, यानी एल बी एल
email is equals to email, और इसी तरह से lbl gender is equals to gender, और lbl name is equals to name, सही है। और अब इसको रन करते हैं, एरर दे रहा है। अच्छा डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं लगाई ना, सबके साथ डॉट टेक्स्ट लगाया, डॉट टेक्स्ट कॉपी पेस्ट पेस्ट, सही है। अब चलाया इसको, देखो ईमेल दिया, नेक्स्ट, ठीक है, नेम दिया यहाँ, और नेक्स्ट, ये देखो पूरी डिटेल आ गई, ईमेल नहीं आया यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है, चलो देख लेते हैं उसको, बाकी चीज़ें देखो आ गई, नेक्स्ट करके सबमिशन हो जाए फाइनल, ठीक है। तो ठीक है, देखो अब ये जो हमने व्यू स्टेट पढ़ा था इससे पहले, हमें वो पता चल गया कि असल में पेज पोज बैक हो रहा है ना, तो वो वेरिएबल वैल्यू भूल जाता है, याद है स्टेट मैनेजमेंट वाली बात, ठीक है। तो उसको क्या करो, ईमेल को यहाँ पे, अब ये जाहिर सी बात है ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना बेवकूफ़ी है, या तो तुम डायरेक्ट भी एक्सेस करोगे ना इस तरह से तो भी आ जाएंगे, क्योंकि वो इसी पेज के ऊपर है, वो सेफ हुए होंगे। ईमेल नेम वाला तो आ रहा था ना, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट ऐसे चेक कर लो, देखो आएगा, नहीं आया तो व्यू स्टेट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पेज की स्टेट मेंटेन नहीं हो रही है, जब मैं पोस्ट बैक कर रहा हूँ ना तो वो ईमेल भूल जाता है। देखो ऐसे भी आ जाएगा, तो बजाय कोई वेरिएबल यूज़ करने के डायरेक्ट कर लो इस काम को, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वेरिएबल वगैरह हटा दो, जेंडर की जगह ये आ जाएगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, नेम की जगह ये आ जाएगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और वेरिएबल वगैरह हटा दो। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो व्यू स्टेट यूज़ कर लेना, ठीक है। ये वो टेक्स्ट बॉक्स जो है खुद से वैल्यू होल्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। ओके,